खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज की सब्जी। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। एक छोटी सी गोभी ली है, गोभी को इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। आधा कप हरी मटर ली है। एक शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को इस तरीके से लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। एक गाजर ली है, गाजर को भी इस तरीके से लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई। जीरा राई दोनों अच्छे से भुन गए हैं, साथ में ही डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, प्याज को तेल में मिक्स करेंगे। अगर आप सब्जी में सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। प्याज तेल में मिक्स हो गया है, अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे। यहीं पर डाल देंगे मसाले, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देखिए पानी डालने से इनका एक पेस्ट बन गया है। पानी डालने से मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, जलेंगे नहीं। मसालों के साथ में ऐड कर देंगे मोटे मोटे पीसों में कटा हुआ एक टमाटर, टमाटर को भी मसालों में मिक्स कर देंगे। यहीं पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों को इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों में डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ, गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स वेज की सब्जी में आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी डाल सकते हैं या उन सब्जियों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो सब्जी आपको नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम रखेंगे। सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सब्जियों को 1 मिनट तक मसालों के साथ में भुनने देंगे। भूनते टाइम सब्जियों को इस तरीके से चलाते रहेंगे। 1 मिनट हो गया है सब्जियों को मसाले के साथ में भूनते हुए, अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे। सब्जियों को ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हर 2-2 मिनट बाद सब्जी को चला देंगे, जिससे कि सब्जी कढ़ाई की तली में चपक के जले ना। और सब्जी चलाने से हर तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। दोबारा से ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। गाजर को कट करके देखते हैं। देखिए गाजर आराम से कट रही है। गोभी को कट करके देख लेते हैं। देखिए गोभी भी आराम से कट रही है, यानी कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। सब्जी को इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे। 4 से 5 मिनट सब्जी को खोल के कढ़ाई में भुनने देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छे से सूख जाए और सब्जियाँ अच्छे से भुन जाएँ। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही सब्जियों को भूनेंगे। सब्जी को बीच बीच में इस तरीके से उलट पलट देंगे, जिससे कि सब्जी हर तरफ से अच्छे से भुन जाए। दोबारा से सब्जियों को कढ़ाई में इसी तरीके से फैला देंगे। 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को खोल के भूनते हुए। देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी मिक्स वेज की सब्जी बन के आई है। मिक्स वेज की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।